हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम ऐसी रेसिपी लेकर के आए हैं जो लगभग सभी को बहुत पसंद है। आज की हमारी रेसिपी है मसाला डोसा। ये मसाला डोसा एक सबको पसंद है, सभी खाना पसंद करते हैं क्योंकि ये इतना क्रिस्पी होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हम लेट नहीं होते हुए चलिए किचन में चलते हैं और मसाला डोसा बनाना सिखाते हैं। मसाला डोसा बनाने के लिए दोस्तों देखिए, इसका मेजरमेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए तभी परफेक्ट डोसा बनकर के तैयार होता है। ये देखिए, मेजरमेंट का ये कप है। इस कप से मैंने 2 कप चावल ले लिया है। ये चावल मैंने ले लिया 2 कप। और इस कप से 1 कप मैंने ली है उड़द की दाल, धुली हुई उड़द की दाल है ये, इसको मैंने ले लिया। और 1 चम्मच चाय के चम्मच से 1 चम्मच मैंने ले लिया है ये मेथी दाना। तो हम इन तीनों को ही बारी बारी से 2 से 3 बार वॉश करेंगे पानी से और हम बॉल में एक साथ तीनों को भिगो देंगे। लगभग 5 घंटे भिगो करके ये मैंने रखे हैं और मैं इनको पीस के बताती हूँ। दोस्तों, ये तीनों को जो अच्छे से गल जाने के बाद में मैंने इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया और हमें कंसिस्टेंट इसी प्रकार की चाहिए। ये देखिए, ये पतला घोल ऐसा होना चाहिए, ना तो ज़्यादा गाढ़ा और ना एकदम पतला। ये देखिए, अब मैं आपको डोसा बनाना बताती हूँ। दोस्तों, नॉनस्टिक तवा हमने चढ़ा दिया, ये गर्म हो रहा है, लो मीडियम फ्लेम पर है। मैं आपको दूसरे इसके इसमें जाने वाले जो हैं वो मैं बताती हूँ। देखिए, ये 3 आलू का मसाला मैंने, आलू बॉईल करके और आलू का मसाला मैंने बना लिया है सूखा। ये सूखा, इसमें पानी नहीं डालें और सभी मसाले जो खाते हैं वो डालें और सूखा इसका सब्जी टाइप बना लें। अब देखिए, ये नारियल की चटनी है, जो कच्चा नारियल मैंने टुकड़ों में काट लिया था और इसमें नमक मिर्ची सेंधा नमक वगैरह डाल के मैंने चटनी बना ली है। दूसरी चटनी मैंने बनाई है, ये टमाटर की चटनी बनाई है। आप चाहें तो इसको सांभर के साथ भी खा सकते हैं, वो मेन रेसिपी होती है इसकी। अब मैं डोसा बनाना बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है। इसकी कंसिस्टेंसी ये इतना पतला होना चाहिए तभी हमारे क्रिस्पी डोसे बन करके कंप्लीट होते हैं, इतना पतला होना चाहिए। अब हम डालते हैं इसको। इसको बस एक ही दिशा में गोल गोल घुमाते जाएं। बहुत ही पतला बनता है ये और बहुत ही क्रिस्पी होता है। बस अब इसको लो मीडियम फ्लेम पर सिकने दें। दोस्तों, इस पे हमने ये आलू का मसाला फैला दिया है और डोसा हमारा लगभग सिकने आ गया है। इसको और अच्छा सा क्रिस्पी होने देंगे। ये देखिए, इसने अपनी जगह छोड़ दी है, बहुत शानदार सिक गया है ये। अब हम उठाते हैं इसको। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी डोसा है ये। तो ये डोसा हमारा बनकर के कंप्लीट हो गया है। देखिए कितना क्रिस्पी है एकदम से। और हम इसको तोड़ के बताते हैं। ये देखिए, ये इसका मसाला भी और इतना क्रिस्पी है ये। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी है ये देखिए। और इसको आप चटनी के साथ में और टमाटर की चटनी के साथ में इसको खाएं। मैं एक बाइट करती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। आप मसाला डोसा एक बार अवश्य ट्राई करें इसी तरह से जैसे मैंने बनाया है। और आपका मसाला डोसा कैसा बना मुझे अवश्य लिखिए। दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।